Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your maths class of grade 5. I hope you are all fine and enjoying good health at your home. Uh, students, open a page number 11. Today we are going to uh, learn about uh, division, the last uh, arithmetic operator. डिवीज़न का बेसिकली मतलब क्या होता है डिवीज़न का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर देना कट ऑफ कर देना ठीक है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना उसको हम कहते हैं डिवाइड करना ठीक है उसका मतलब होता है डिवीज़न तो अभी जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर वन में वो अब हम डिवीज़न पढ़ेंगे अप टू सिक्स डिजिट्स बाय टेन हंड्रेड एंड थाउजेंड ठीक है लास्ट जो लेक्चर थे उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन जब पढ़ी थी तो जब हमने मल्टीप्लाई किया था किसी भी नंबर को टेन 10 से हंड्रेड से और थाउजेंड से तो उसमें हमने ये देखा था कि आप जो नंबर होता है जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेन 10 से हंड्रेड से या थाउजेंड से वो नंबर लेफ्ट साइड पे एक ब्लॉक अगर आप टेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल नंबर वन ब्लॉक आप लेफ़्ट पे मूव करते थे और जो ब्लॉक रह जाता था उसमें हम वन ज़ीरो फिल कर देते थे ठीक है मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है बड़ा होता जाता है डिवीज़न में ऐसा नहीं होता डिवीज़न जो है वो ऑपोजिट है किस चीज़ के मल्टीप्लिकेशन के ठीक है डिवीज़न ऑपोजिट है मल्टीप्लिकेशन के इस यहाँ पे अगर आप इस नंबर को टेन से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा ये एक ज़ीरो इसमें से रिमूव हो जाएगा और नंबर लेफ्ट पे मूव नहीं होगा बल्कि राइट right साइड पे मूव हो जाएगा ठीक है तो अगर आप इन पॉइंट्स को देखें यहाँ पे इन पॉइंट्स को रीड आउट करें और फिर इस टेबल को देखें तो आपको ये जीरोस और जो राइट right साइड पे नंबर को मूव करने का कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं डिवाइड अ नंबर बाय टेन वी रिमूव वन जीरो एंड मूव द नंबर वन कॉलम टू द राइट ठीक है दूसरा पॉइंट है कि डिवाइड अ नंबर बाय हंड्रेड वी रिमूव टू जीरोज एंड मूव द नंबर टू कॉलम्स टू द राइट कि अगर आपने इस नंबर को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो इसमें से ये जो राइट right साइड पे दो जीरो हैं ये रिमूव हो जाएंगे और ये जो नंबर है ये दो कॉलम्स राइट साइड पे मूव हो जाएगा ठीक है इसी तरह हाँ से थाउजेंड के लिए भी इसमें क्या होगा तीन जीरो रिमूव होंगे और ये नंबर थ्री कॉलम्स राइट साइड पे मूव कर जाएगा ठीक है उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यही कंसेप्ट जो है ये यह यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है टू डिवाइड अ नंबर विद पावर्स ऑफ टेन रिमूव जीरोस एंड मूव द नंबर टुवर्ड्स द राइट कि आप जिस भी नंबर से फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे टेन थाउजेंड से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा फोर जीरोज़ जो है वो रिमूव होंगे और ये नंबर जो होगा वो फोर टाइम्स यानी फोर ब्लॉक्स राइट साइड पर मूव कर जाएगा ठीक है पेज एलेवन पर ही लास्ट पे ये एक पॉइंट के बन है वैन डिवाइडिंग बिगर नंबर्स इट इज़ इजियर टू डू द विदाउट स्पेसिज़स ये पॉइंट आपके पास मल्टीप्लीकेशन में भी यही था और डिवीजन में भी यही है कि जब आप लॉन्ग नंबर्स जो होते हैं नंबर्स अप टू अपस डिजिट्स उनको जब आप डिवीजन उसकी परफॉर्म करते हैं तो आपने विदाउट स्पेसिस उसमें परफॉर्म करना है ठीक है अब आप आ जाए पेज नंबर ट्वेल्व पर पेज नंबर ट्वेल्थ पर डिवीजन से रिलेटेड uh, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो गिवन है आपको कि uh, जो हम नंबर्स डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें किस किस नंबर को क्या क्या कहते हैं ठीक है थीके? जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र है जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं जो नंबर डिवाइड हो रहा है जो हाउस के अंदर है वो डिविडेंड है ठीक है ये आपके पास हाउस ही बना हुआ है ना ठीक है ये इस तरह से एक हाउस बना हुआ है आपके पास हाउस के बाहर हमेशा डिवाइजर होता है हाउस के अंदर हमेशा डिविडेंड होता है ठीक है इस हाउस के ऊपर जो आप आंसर आता है वो आपके पास क्वेश्चन होता है ठीक है हाउस की रूफ़ पर हाउस की छत पे जो है वो क्वेश्चन है और जो नीचे रह जाएगा वो रिमाइंडर है रिमाइंडर मीन जो चीज़ बाकी बच गई है राइट डिवाइजर डिविडेंट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ये चार चीज़ें हैं जो कि डिवीजन में यूज़ हो रही होती हैं ठीक है थीके? इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन है डिवीजन इज़ द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई है कि डिवीजन में हम मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं जनरल भी अगर आप इनके मीनिंग्स देखें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का तो डिवीजन होता है कि आपने किसी चीज़ को छोटे पार्ट्स में छोटे चंक्स में डिवाइड कर दिया है कट कर दिया है ठीक है और मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आपने उस चीज़ को इनक्रीज़ कर दिया है बढ़ा दिया है राइट right? ओके okay, अब हम करते हैं एक्सरसाइज पे आ जाएं, पेज नंबर फिफ्टीन पेज नंबर फिफ्टीन पर क्वेश्चन नंबर सेवन की स्टेटमेंट में है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय टेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपने इसको इस तरह से करना है बी पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर सेवन का बी पार्ट है आपके पास टू हंड्रेड थर्टी एट थाउजेंड एंड टू हंड्रेड ये नंबर आपको गिवन है आपने इसको सॉल्व कैसे करना है सिंपल ये नंबर लिखें ठीक है और आपने इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय टेन तो आप इस तरह से टेन से लिखें और अभी हमने पिछले पेज पे पढ़ा कि जब हम टेन से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो उसके राइट right साइड पे आपके पास जो एक ज़ीरो है वो रिमूव हो जाएगा ठीक है तो आपके पास क्या होगा टेन से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाला ज़ीरो रिमूव हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ठीक है इसी तरह से आपने बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो भी खुद से अटैम्प्ट हैं क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट का ए पार्ट देखते हैं क्या उसमें लिखा हुआ है डिवाइड क्वेश्चन नंबर एट की स्टेटमेंट ये है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय हंड्रेड अब आपने इसको हंड्रेड से डिवाइड करना है ठीक है फ़र्स्ट आपके पास जो नंबर है वो ये गिवन है ठीक है अब इसको भी आपने सेम इसी मेथड से करना है सॉल्यूशन इक्वल का साइन लगाएं ये नंबर लिखें और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करना है हंड्रेड से डिवाइड करना है तो आपने यहाँ पे हंड्रेड लिख दिया ठीक है